कि यंगस्टर्स लोग हैं उनको भी इज्जत दो और यंगस्टर लोग भी बड़ों का इज्जत दो, दोनों होना चाहिए। जया बच्चन वैसे भी बहुत कड़क स्वभाव के हैं। आजकल सबका जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर पिक्चर बनाई है, शादी रिलेशनशिप और डिवोर्स केसेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं देख रहे हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म भी नीचे फ्लैट हो रही हैं, बट दिस इज अ फिल्म विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डायरेक्टर लाइक करण जौहर। 3.5 5 में से 4 स्टार दूंगा। वेरी नाइस, आई थिंक यू कैन गो एंड वॉच द फिल्म। अच्छी फिल्म है, बड़े बच्चे सब साथ बैठ के देख सकते हैं। आई वुड लाइक टू गिव 4.5 टू आउट ऑफ 5। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बहुत अच्छी है और उसके अंदर वैल्यूज दिखाया है और आज के डेट में मतलब यंग लोग को भी इज्जत देना चाहिए, बड़े लोग यंग को भी देना चाहिए, तो वो स्टोरी है। और घर में मतलब हम लोग को नया ज़माने में भी जीना चाहिए, पुराने ज़माने में नहीं जीना चाहिए। तो वो एक अच्छा चीज़ दिखाया है कि यंगस्टर्स लोग हैं उनका भी इज्जत दो और यंगस्टर लोग भी बड़ों का इज्जत दो, दोनों होना चाहिए। और पुराने ख्यालात को बाजू में रख के कुछ नए तो सोचना चाहिए। लेकिन और इसमें धर्मेंद्र जी भी आए हैं बहुत दिन के बाद शमाना के साथ और जया भदुरी जी ने भी अच्छा काम किया और दोनों रणवीर सिंह और आपके आलिया भट्ट दोनों अच्छा सब काम किया है, गाने भी अच्छे हैं। और वन थिंग आज के ज़माने के पीपल विल लाइक इट और क्या बोलूँ, सीन सीनरी अच्छा है। यानी बहुत दिन के बाद करण जौहर ने कोई अच्छी फिल्म बनाई है। यस, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा है ना। धर्मेंद्र का तो एकदम, तो वो जो रोल है वो नेचुरल है, शबाना आजमी नेचुरल है, जया भदुरी जो सबसे मेन पॉइंट है उनका नेचर जो जया भदुरी पहले अभी जया बच्चन वैसे भी बहुत कड़क स्वभाव के हैं, एक दो पेपर वालों को भी उन्होंने भड़काया है, तो उनका रोल वो जो नेचर है उनका वही बना है। पाँच में से 3.5। वेरी नाइस मूवी है, बहुत अच्छा लगा। बेस्ट अच्छा है कि जो आजकल सबका जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर पिक्चर बनाई है, शादी रिलेशनशिप और डिवोर्स केसेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं कि एक दूसरे को समझते नहीं है, फैमिली का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, वो अच्छा मैसेज दिया है। और फिर अच्छा लव स्टोरी भी है और बहुत कुछ एट टाइम्स में डायलॉग अच्छा है, स्टार्टिंग और एंड बहुत अच्छा लगा मुझे और बीच में थोड़ा सा लो हो गया था, बट इट्स ओके, कैरिड अवे। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी वर्सटाइल एक्टर। रणवीर तो साला वाटर जैसा है, किधर भी डालो आग लगा देता है, एंड आले इज ऑल्सो वंडरफुल एक्टर। गाने वगैरह फिल्म में कैसे है? अच्छा है, गाना अच्छा है। और डायरेक्शन कैसी? मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मूवी बनाई मुझे लगा ये करण जौहर ने डायरेक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ जो उसके जो ट्रेंड है, मेकिंग्स है, जैसा कभी खुशी कभी गम कुछ कुछ होता है, वो सबसे अलग ही बनाया उसने ये मूवी, बहुत अलग बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हाँ, मुझे रणवीर कपूर का डोला रे जो डांस है वो बहुत अच्छा लगा, वो जो उसने मोमेंट पे सबको सरप्राइज कर देता है वो लर्निंग पे अपनी गर्लफ्रेंड्स को फैमिली को, वो अच्छा लगा। 5 में से 4 स्टार दूंगा। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। रेयर डेफिनेटली आई थिंक पीपल विल ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिवली कम, फैमिली एंटरटेनमेंट है, लव स्टोरी है और रिलेशनशिप के बारे में एवरी चीज़ है उसके बारे में, पीपल विल प्रोएक्टिवली कम एंड वॉच इट। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई है, जो हमारी बॉलीवुड फिल्म से एक्सपेक्ट करा जाता है कि एक पारिवारिक समावेश होगा, उसी फिल्म में एक हीरो होगा जो बड़ा हीरोइक होगा, एक हीरोइन होगी जो बहुत सुंदर होगी, माँ बाप होंगे, गाने होंगे, वो सब इसमें हैं और सब बिल्कुल बराबर मात्रा में है। यू नो, एक फिल्म एक पकवान की तरह होती है, आप सारे मसाले डालिए ऊपर नीचे कर दिए स्वाद नहीं आएगा, सारे मसाले बराबर डालिए स्वाद आएगा। एंड रॉकी एंड रानी इज़ लाइक दैट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म भी नीचे फ्लैट हो रही हैं, बट दिस इज़ अ फिल्म विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डायरेक्टर लाइक करण जौहर। फिल्म्स वर्क अक्रॉस वेरियस लेवल्स, बट मेरे लिए दो स्पेशल लोग हैं इस फिल्म में, विच इज़ रॉकी हु इज़ एक्सलेंट एज अ दिल्ली का लड़का वंस अगैन, एंड जया बच्चन। जया बच्चन हैज़ वर्क अमेजिंगली एज अ टिपिकल पंजाबी दादी, शी वर्क्स अक्रॉस लेवल्स। आई थिंक इट्स एन एक्सलेंट फिल्म, गो एंड वॉच इट। एंड येस, इसके डायलॉग्स बहुत अमेजिंग है, ये डायलॉग राइटर ब्रह्मास्त्र को दे देना, अग्रीवारी ब्रह्मास्त्र में
तो काफ़ी बेटर रहेगा। फिल्म में धर्मेंद्र जी भी है, शबाना आजमी भी है, उनके बारे में क्या कहना है? सो उन्हें बहुत अलग तरह का किरदार दिया है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स लाइक करण जौहर टू गिव द राइट काइंड ऑफ रोल्स टू आर आइकॉनिक एक्टर्स। यू नो उनकी वैल्यू बनी रहती है एंड इट्स एन एक्सीलेंट स्क्रिप्ट फॉर सीनियर एक्टर्स लाइक दिस। यू नो वाई दे आर आइकॉनिक व्हेन यू सी देम इन सच परफॉर्मेंसेज। जिस तरीके की इक्वालिटी की बात की जा रही फिल्म में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इक्वालिटी? वो बहुत अच्छा मैसेज है। फर्स्ट हाफ में आपको हंसाते रहते हैं तो सेकेंड हाफ में बहुत सारे ऐसी इंक्लूसिवनेस की बात करी जा रही है, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो, चाहे वो रंग की बात हो। एंड रॉकी एक ऐसा कैरेक्टर है जो उस कन्फ्यूजन को बहुत अच्छे से दिखाता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैसेज। बट यू नो वॉट, आई पर्सनली फील कि हर फिल्म मैसेज के लिए नहीं बनाई जाती। फिल्म होती हैं 3 घंटे का पैसा वसूल, ये फिल्म 3 घंटे का टोटल पैसा वसूल है। इट्स अ मस्ट वॉच। रिव्यू के शुरुआत में आपने फिल्म की ताल्लुकात अपने खाने से किए थे, मतलब मसाले वगैरह। सो इसके मेकर जो है करण जौहर, काफ़ी टाइम काफ़ी सालों के बाद डायरेक्टर की कुर्सी पे आए, उनकी डायरेक्शन फिल्म की। सो करण जौहर की डायरेक्शन पता चलती है बहुत चीज़ों में। जब रॉकी आलिया को हक देता है तो वो हर बार आलिया की आंखों में नज़र आता है कि इस हक का कोई मतलब निकलेगा आगे जाके, और वो पता चलता है। सो ये एक उम्दा डायरेक्टर की पहचान होती है कि वो अपने हर किरदार के थ्रू कहानी धीरे धीरे बांधता है, जो कि कहानी पूरे बाद में आके एक पूर्ण रूप लेती है। एंड दिस इज़ अ फिल्म लाइक दैट जहाँ पे वो कहानी पूर्ण रूप लेती है। सो आई थिंक करण जौहर की डायरेक्शन विद टाइम मैच्योर हुई है एंड इट इज़ एक्सीलेंट सर्टेनली। दे मैनी सीन्स आई वुड से मैंने काफ़ी तालियां पीटी हैं इस पिक्चर में। सीटी मुझे बनानी है तो मैंने बजाई नहीं है, बट देर मैनी सीन्स, बट आई पर्टिकुलरली लव द सीन वेयर वेयर रणवीर सिंह टेल्स हिज फादर कि आप पहले मेरी माँ की इज्जत करिए। शायद हर घर में, अगर क्योंकि हम आम तौर पर ऐसा होता है कि मदर्स को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वही हमारे घर का सूत्रधार होती हैं, बट हम उन्हें निग्लेक्ट करते जाते हैं। और अगर हर घर में बेटा ये बोलना शुरू हो जाए और बेटियाँ ये बोलना शुरू हो जाए तो घर का तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि ये सच है कि हमारे घर में जो मेल मेंबर्स होते हैं वो कहीं ये मान लेते हैं कि हम ही घर चलाते हैं, ऐसा नहीं है। गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू योर लेडीज। आई थिंक यू कैन गो एंड वॉच द फिल्म, अच्छी फिल्म है, बड़े बच्चे सब साथ बैठ के देख सकते हैं। आई वुड लाइक टू गिव 4.5 to 5।